हैप्पी वैलेंटाइन डे। मैं वैलेंटाइन डे पर आप सबके लिए लेकर आई हूँ वैलेंटाइन स्पेशल केक, जिसे हम बनाएंगे बिना ओवन में, बिना कढ़ाई के, बिना कुकर के और बिना गैस ऑन किए। अब आप सोच रहे होंगे कि बिना गैस ऑन किए हम केक कैसे बनाएंगे, तो चलिए बनाना सिखाते हैं हम आपको केक। मैंने यहाँ ली है वाइट ब्रेड और मैंने यहाँ पर 4 स्लाइस ब्रेड के लिए हैं। आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। अब मैं इस ब्रेड के कॉर्नर्स को कट कर दूंगी। ये वाला केक अगर आप घर पे ट्राई करेंगे ना, तो आई एम श्योर मार्केट का केक तो आप फिर कभी भी नहीं लाएंगे घर पे, और हमेशा इसी केक को आप घर पे बनाएंगे। अब ब्रेड्स के कॉर्नर्स को मैंने कट कर दिया है और अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ एप्पी का। आप चाहें तो एप्पी की जगह कोई भी जूस का यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो फ्रूटी भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसे एक कटोरी में निकाल लेंगे। हमें ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा ही चाहिए हमें। यहाँ पर सबसे पहले प्लेट में थोड़ी सी व्हिप क्रीम लगाएंगे, इस तरह, बिल्कुल थोड़ी सी व्हिप क्रीम मैंने यहाँ यूज़ करनी है। और इसके ऊपर रखेंगे ब्रेड और लगाएंगे ये जो हमने एप्पी ली थी, वो चम्मच से हमने थोड़ी थोड़ी लगानी है और अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। के ऊपर हम लगाएंगे व्हिप क्रीम। ऊपर से रखेंगे एक स्लाइस और ब्रेड का। इससे वही प्रोसीजर हम सेम दोहराएंगे। पहले हम लगाएंगे एप्पी, फिर हमने लगानी है व्हिप क्रीम। अच्छे से स्प्रेड कर देंगे व्हिप क्रीम को भी हम। फिर से एक ब्रेड रखेंगे, फिर से हम लगाएंगे एप्पी और इसके ऊपर से फिर से हमने लगानी है व्हिप क्रीम। अब लास्ट की जो ब्रेड है वो हमने इसके ऊपर रखनी है और इसके ऊपर अच्छे से हमने व्हिप क्रीम को स्प्रेड करना है। व्हिप क्रीम से कवर कर देना है, साइड भी हम इसकी कवर कर देंगे। और अब हम लेंगे एक नाइफ और अच्छे से अपनी व्हिप क्रीम को सेट कर लेंगे। अब आप यहां देखेंगे मैंने अच्छे से व्हिप क्रीम को स्प्रेड कर दिया है। अब हम इसके ऊपर से लगाएंगे रेड जेल, इसके ऊपर से डालेंगे हम और इसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे इसके ऊपर। हाँ, मैं स्ट्रॉबेरी केक जेल का यूज़ कर रही हूँ। ये इजीली केक शॉप पर आपको मिल जाएगा और इसे अच्छे से हमने स्प्रेड करना है। इसके साइड्स पर भी अच्छे से हमने इसे स्प्रेड करना है। हमने इसके ऊपर अच्छे से जेल स्प्रेड कर दिया है। अब हम इस पे ऐड करेंगे स्प्रिंकल्स। यहाँ देख रहे हैं ये मल्टी कलर के स्प्रिंकल हमारे केक को और भी खूबसूरत बना देंगे। साइड से भी थोड़े से स्प्रिंकल इसमें ऐड करेंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में। तो रेडी है हमारा वैलेंटाइन स्पेशल केक। मैं यहाँ आपको कट करके दिखाऊंगी कि बहुत ही सॉफ्ट बनाया हमारा ये केक, सुपर सॉफ्ट, सुपर टेस्टी केक। तो देखा आपने कितना टेस्टी बना हमारा ये केक। देखने में ही लग रहा है ना टेस्टी, और खाने में उसे कहीं ज्यादा टेस्टी है। तो आप भी अपने लव वंस के लिए केक जरूर बनाएं। जल्द ही मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।